मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। टू कीप योर ब्रेन फिट एंड एक्टिव लॉजिकली सॉल्व वन पजल एवरी डे। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स में कुछ लेटर्स हैं। आपने करना क्या है, लेटर्स को रिप्लेस करना है डिजिट 0 से लेकर के 9 तक। याद रखिए हर लेटर का एक वैल्यू होगा, इसका अर्थ है हर लेटर के वैल्यू अलग अलग होंगे, दो लेटर्स के सेम वैल्यू नहीं हो सकते। आप पजल को सॉल्व करें उसके पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने पजल नंबर 26, उसमें पजल्स नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो था नंबर 26, 26, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख ले। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उससे आपको मदद मिलेगी। इस भाग में 5 प्रॉब्लम्स होंगे, अगली स्लाइड में आप 5 प्रॉब्लम देखेंगे। आगे बढ़ने के पहले अपने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप सॉल्व कर लें उसके बाद आगे की स्लाइड्स देखें। मैंने स्टेप्स दिए हैं लेकिन डिस्कशन नहीं किया है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेप्स को ब्रीफली लिखें। जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है और जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं, यदि आप उससे अच्छा प्रोसेस या छोटा प्रोसेस निकाल सके, वंडरफुल। किसी भी पजल को अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ये मान लेना कि मेरा मेथड दी बेस्ट है, गलत होगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 5। सॉल्व कीजिए उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। प्रॉब्लम नंबर 1, 3AA माइनस B56 इक्वल्स टू CC। यदि आपने लॉजिकली सॉल्व किया है तो आपको 5 पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे। A के वैल्यू होंगे 0 से 5 तक, C के वैल्यू होंगे 4 से लेकर के 9 तक और B का वैल्यू होगा 2 कॉन्स्टेंट। पहली पॉसिबिलिटी और आखिरी पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई है। प्रॉब्लम नंबर 2, 8334 प्लस 666 प्लस 7BB इक्वल्स टू BBBB। सिंपल प्रॉब्लम है, दो स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। A इक्वल्स टू 6 एंड B इक्वल्स टू 7। आंसर आपके सामने है। प्रॉब्लम नंबर 3, B22A प्लस 3BB3 प्लस 6CC6 इक्वल्स टू 14000। ये क्वेश्चन भी सिंपल है। आंसर इज A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 4 एंड C इक्वल्स टू 3। आप स्टेप्स देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A04 प्लस 972 प्लस A7B इक्वल्स टू CDAD। यदि आपने स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकली सॉल्व किया है तो आपको 2 पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे और आप ये भी कंफर्म कर पाएंगे कि तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। ABCD के मूल्य होंगे 4, 2, 1, 8 और दूसरी पॉसिबिलिटी 5, 4, 2, 0। आंसर्स दोनों आपके सामने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, 5AA प्लस BBB प्लस 1, 2, 3 इक्वल्स टू 1, 1, 3, 3। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप बहुत आसानी से दो स्टेप में इसे सॉल्व कर सकते हैं, A इक्वल्स टू 6 और B इक्वल्स टू 4। आंसर आपके सामने है। इस तरह की पजल से आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी बढ़ेगी, इवन आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। 501 पजल की यात्रा में सीखते सिखाते हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।